एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी ऑप्शनल में पेपर टू के बारे में, और इस पेपर टू में हम लोग बेसिकली फिलहाल देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के बारे में, और इसमें हम लोगों ने फिजियोग्राफी वगैरह देख रखी थी। फिजियोग्राफी में हम लोगों ने बेसिकली हिमालयन फिजियोग्राफी के बारे में देखा है, और हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखा है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में, या जिसको बोला जाता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, इन सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग ज्योग्राफर के द्वारा दी गई है, जैसे आरएल सिंह वगैरह हो गए, इनके बारे में, और उसके बाद हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट को पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही हैं, इनको आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज, जिसके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो रखी है, जिसमें लोगों ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। तो 17 मई से फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो बस एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी आप रजिस्टर कर सकते हैं कर लीजिए, 17 को हमारी फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं हमारी फिजियोग्राफी के लिए। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को इंट्रोडक्शन हमेशा देता रहता हूं कि फिजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फीचर, लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ऑन द टेक्टोनिक हिस्ट्री, स्ट्रैटिग्राफी एंड फिजियोग्राफी। इंडिया में भी डिवाइडेड इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पेनिनसुलर रीजन के बारे में बात कर लिया है, माइटी हिमालय एंड देयर एसोसिएटेड यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन या फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हमारी कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में, देखेंगे क्या कुछ है इसमें, हम लोग सारे डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग जरा देखते हैं ग्रेट प्लेन्स के बारे में, एंड दीज आर द ग्रेट प्लेन्स, जहां पर आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन, तो ये स्टार्ट होती है पंजाब से और ये जा रही है पूरी असम के वैली तक। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कुछ है, कहां से स्टार्ट हो रही है, क्या चीज हो रही है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जब आप बात करेंगे तो हम लोगों ने हिमालयन में बात किया था कि हिमालयन में बेसिकली 3 टाइप की चोटियां हैं इस तरीके की, जहां पर अलग अलग फॉल्ट हैं। ये हमारे देखा था हम लोगों ने कि दिस इज एमसीटी, फिर हम लोगों ने बात किया था कि ये एमबीटी, एंड देन यहां से प्लेन स्टार्ट हो जाती है, ग्रेट प्लेन स्टार्ट हो जाती है, और ग्रेट प्लेन के बीच में यहां पर अगेन एक फॉल्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एचएफएफ, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। एंड दिस ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ, दिस इज बेसिकली शिवालिक, और शिवालिक के ये साउथ में, शिवालिक के साउथ में ये सेपरेटेड बाय हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। इट इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन हिमालयाज ऑफ नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया ऑफ साउथ। तो ऑब्वियसली यहां पर पेनिनसुलर इंडिया जा रही होती है, और यहां पर पेनिनसुलर इंडिया है, और यहां पर हमारी हिमालयाज आप देख ही रहे हैं, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे क्लियर करूंगा, ग्रेट प्लेन्स थोड़ा सा टफ है समझना, इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि थ्योरीज जो है वो काफी क्लोजली पैक्ड है, काफी कुछ जो होती है सिमिलैरिटी आपको देखने की मिलेगी, काफी हम लोग डिटेल में देखेंगे इस फिगर के माध्यम से, हम लोग कोशिश करेंगे सारे के सारे चीजों को समझने की। एग्जाम में जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे ये सब फिगर आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये सब फिगर बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। चलिए खैर इसके बाद जरा स्टार्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इट इज अ एग्रेडेशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यानी कि एक चीज तो क्लियर है, अगर इंडिया के मैप में हम लोग देखेंगे तो हमारे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जितने भी हमारे हिमालयन रिवर्स हैं वो अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, लाइक इंडस। इंडस जो है अब स्टार्ट हो रही है इधर से, और ये पूरा का पूरा प्लेन बना दे रही है, और यहां पर इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज आ जा रही होती है। सिमिलरली ब्रह्मपुत्रा ये भी पूरा का पूरा प्लेन बना दे रही है, हालांकि इधर से निकल जा रही है। फिर हमारी गंगा ये पूरा प्लेन बना दे रही है। तो मतलब कि जितने भी हमारे प्लेन इलाके हैं ये बेसिकली क्या है कि ये रिवर्स के ही सेडिमेंटेशन से बने हैं। तो बेसिकली यहां पर सेडिमेंट्स से बना है, यहां से ये आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरी से एलुवियल डिपॉजिट या सेडिमेंट से ही बने हैं। इट हैज वेरिंग विथ, अब जैसे यहां पर जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर आपको पतली स्ट्रेच दिखेगी, दिस इज बेसिकली वेरी नैरो स्ट्रेच हियर, और ये आगे जाकर के ब्रॉड होती आ रही है। तो यानी यहां पर आपका ईस्टर्न साइड में ये नैरो रहेगा, दिस इज वेरी नैरो हियर, एंड यहां पर आपकी ब्रॉड हो जाएगी। और वही चीज यहां पर बताई गई है कि इट हैज वेरिंग विथ 90 किलोमीटर
तो 100 किलोमीटर असम एंड 160 किलोमीटर नियर राजमहल हिल्स, और यही फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा कि पंजाब में 500 किलोमीटर की हो जाएगी। इन जनरल द विथ ऑफ द प्लेन इंक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसा कि हम लोगों ने देख ही लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट लार्जली ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज एंड पेनिनसुलर इंडिया। द एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ एलुवियम हैज नॉट येट बीन फुल्ली डिटरमाइंड, तो कितनी डेप्थ है यह हम लोग कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, लेकिन बाकी चीजों के बारे में हमें पता है कि क्या कुछ है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एस्टिमेट द एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियम ऑफ सदर्न साइड ऑफ प्लेन। अब जरा यहां पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अगेन टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों देखेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में बेसिकली आपको किस तरीके से दिखेगी, ऐसे दिखेगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारी पेनिनसुलर इंडिया है, तो पेनिनसुलर इंडिया जब आप बनाएंगे तो ये आपका साउथ का पार्ट हो गया। साउथ में भी ये देखेंगे तो ये आपका रिलेटिवली कम हाइट है और यहां पर आपको अच्छी खासी हाइट देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये टेपर शेप है, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये इंडिया इस तरीके से है, ये हमारा साउथ इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर ये अच्छी खासी इस तरीके से हाइट लिए हुए है। ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट, जहां पे वेस्टर्न घाट ज्यादा हाइट पे है ईस्टर्न घाट से, ठीक है। ये हो गया टॉप, मतलब टॉप व्यू एक तरीके से जब आप देख रहे हैं। अब इसके बाद से अगर जब आगे बढ़ेंगे तो हिमालय साइड में कैसा आपको देखने को मिलेगा, हिमालय साइड में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये आगे जाकर के क्या हो रहा है, आगे जाकर के ये टेपर हो रहा है नीचे के साइड में, ये टेपर हो रहा है नीचे के साइड में, और इस तरीके से यहां पर इसकी जो विथ है वो नीचे के साइड आ गई है। जैसे कि अगर बात करें तो ये हमारी, अगर मान लेते हैं कि ये वेस्टर्न घाट है, ये हमारे मान लेते हैं कि ईस्टर्न घाट है, तो ये आगे की ओर जब जा रहा है तो ये इसकी विथ गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, और कुछ इस तरीके से हो गई। तो मतलब कि यहां पर अगर ये हाइट 5 किलोमीटर है तो यहां पर हाइट ये 2 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगी, तो ये नीचे की ओर टेपरिंग शेप में आ जा रहा होता है। फिर उसके बाद से हिमालय है, तो हिमालय में अगेन क्या है, हाइट ले लेगा ये, तो हाइट ले लेगी। तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन खैर आप लोग को समझ में आ रहा होगा ऐसा मुझे मानना है। तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि सपोज दिस इज इंडिया, और यहां पर मान लेते हैं कि हिमालयन प्लेन है, दिस इज सपोज हिमालय, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर इसकी हाइट होगी, ठीक। यहां पर मान लेते हैं कि साउथ इंडिया, तो ऑब्वियसली यहां पर भी इसकी हाइट अचीव हो रखी है, ये हमारा टिप पॉइंट है साउथ का, ये पेनिनसुलर इंडिया का टिप पॉइंट है। तो अब ये हो क्या रहा है कि ये धीरे 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 यहां से ये इस तरीके से ग्रेजुअली मूव कर रहा है, और यहां पर एक रिफ्ट वैली टाइप का बना रहा है, दिस इज बेसिकली नर्मदा, यहां पर ये नर्मदा का रिफ्ट है। फिर उसके बाद से यहां पर ये अलग अलग टाइप की हाइट लिया हुआ है, दिस इज फर्स्ट फॉल्ट, सेकेंड फॉल्ट एंड देन थर्ड फॉल्ट। तो यहां पर ये बन जाती है हमारी फर्स्ट हिमालय, दिस इज सेकेंड हिमालय, और यहां पर ये केस हो गया। यहां पर आप दिखा सकते हैं कि दिस इज एच एफ एफ हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, यहां पर आप दिखा सकते हैं कि ये एम बी टी है, सॉरी दिस इज यस एम बी टी है यहां पर, और यहां पर हमारी एम सी टी है, और यहां पर आप दिखा सकते हैं कि दिस इज शिवालिक, यहां पर दिस इज शिवालिक, यहां पर हमारी जो भी इनर हिमालय है, यहां पर हमारी ग्रेटर हिमालय, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। और ये पार्ट आप बना सकते हैं कि दिस इज बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। तो इस तरीके से आपको एक काफी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी पूरे के पूरे हमारे इंडिया के बारे में। 3D फिगर बनाना है तो आप इस तरीके से 3D फिगर बना दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। तो आपको इस तरीके से दिखाना होगा एग्जामिनेशन में कि आपकी क्लैरिटी काफी अच्छी हो रखी है। ओके, अब देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एस्टिमेट्स द एवरेज डस्ट ऑफ एल्यूवियम इन द सदर्न साइड ऑफ प्लेन। सदर्न साइड का मतलब अगर मान लीजिए प्लेन हमारी है, तो प्लेन अगर हमारी इस तरीके से अगर शिवालिक बनी हुई है, तो ये हमारा टॉप पे जो सेडिमेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगे, देख रहे हैं हाइट कितनी ज्यादा है, और साउथ में कम होंगे, मतलब ये एरिया आ गया जो बुंदेलखंड का एरिया होगा, और ऊपर वाला जो एरिया है ये कुमाऊं हिमालय वाला हो गया, कुमाऊं हिमालय, या फिर बोल सकते हैं कि ये पंजाब प्लेन से, एक तरीके से पंजाब प्लेन हो गया या गढ़वाल प्लेन हो गया, तो इस इलाके में आ जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली 1300 to 1400 meters, यहां पर 1300 से 1400 meters है यहां पर, और जबकि शिवालिक डेप्थ ऑफ एलुवियम इंक्रीज, तो यहां पर इंक्रीज कर रहा होगा। मैक्सिमम डेप्थ 8000 meters हैज बीन रीच नियर अंबाला यमुनानगर एंड जगाधरी, जो हरियाणा में है। तो यहां पर देख रहे हैं ये 8000 meters आ जाता है, मतलब यहां पर 1.5 किलोमीटर है तो यहां पर 8 किलोमीटर है, इतना ज्यादा सेडिमेंटेशन में अंतर हमें देखने को मिल रहा है। और वो क्यों, क्योंकि यहां से जब रिवर निकल करके आएंगी तो ऊपर में रिवर की आपको भी पता है कि वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हिमालय है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सेडिमेंट को काटेगी ज्यादा,
सेडिमेंट को काटेगी जाता तो आगे आकर के डिपॉजिट भी उतना ही ज्यादा करती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे पहुंचेगी वेलोसिटी कम, सेडिमेंटेशन उतना हो नहीं पाएगा, तोड़ पाएगी नहीं, तो सेडिमेंट भी आपके डिपॉजिट कम होते जाएंगे। क्लियर हो गया? ये तो आप लोगों ने बेसिक लैंडफॉर्म की ही क्लास में पढ़ी होगी क्या क्या चीजें हैं। ओके, द ग्रेट प्लेन्स आर रिमार्केबली होमोजीनियस विथ लिटिल वेरिएशन इन रिलीफ फीचर फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। द मोनोटोमी ऑफ फिजिकल लैंडस्केप इज ब्रोकन एट माइक्रो लेवल बाय द रिवर ब्लफ्स, बोर्स, लेवीज, और ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी जब आप रिवर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़े होंगे। क्लियर है क्या चीज है? ओके, तो ये चीज आपको एक क्लैरिटी आ गई बेसिकली कि क्या चीज है इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे अगर बढ़े तो देखिए, आगे हमारी सिस्टम आती है, द चेंजिंग रिवर कोर्स इन द एरियाज ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड्स इज अ यूनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन द प्लेन। द फ्रीक्वेंट फ्लड्स ऑल्दो अ कॉज ऑफ इमेंस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ले डाउन फ्रेश लेयर्स ऑफ सिल्ट इन द फ्लड प्लेन एवरी ईयर प्रोवाइडिंग द रिच फर्टाइल सॉइल। तो यहां पर कुछ खास है नहीं, और केवल शिफ्टिंग ऑफ रिवर के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से ये शिफ्ट कर रही होती है, रिवर की साइड चेंज हो रही होती है। नाउ द कम नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ओरिजिन ऑफ प्लेन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया क्या है, किस तरीके से ओरिजिनेट हो रही है। तो ऑल दो अपेरेंटली द ओरिजिन ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया अपीयर्स टू बी सिंपल एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड एज पीपल थिंक ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ड्यू टू सेडिमेंटेशन ऑफ द फोरडीप created in front of Himalaya during Alpine. अब हम लोगों ने एक चीज देख रखी है कि यहां पर देखिए हमारी हिमालय इस तरीके से तीन लेयर में बन गई है, तीन लेयर में बनी है, और हमारी ये टर्शरी पीरियड से स्टार्ट ही हुई थी। ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी रखे हैं टर्शरी पीरियड से, ईओसीन मायोसीन, तो इस तरीके से हमारी डेवलपमेंट हुई है। अब ऊपर क्या है कि यहां पर ग्लेशियर्स भी हैं, ऊपर से रिवर आएगी, तो रिवर आएगी तो सीधी सी बात है यहां पर ये अपने जब यंग फेज में रहेगी, तो यंग फेज में आपको भी पता है कि वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, लैटरल इरोजन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, डाउन कटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो यहां पर क्या है कि अच्छा खासा सेडिमेंट ये लेकर के आ रही होगी। जैसे जैसे आप ये नीचे एरियाज में पहुंचते आएगी, वैसे वैसे अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा कम होगी, तो यहां पर सेडिमेंट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। एज पार्ट ऑफ डिपोजिशन इस तरीके से यहां पर क्या बन जाएगी, ग्रेट प्लेन्स। तो ये हमारी ग्रेट प्लेन्स बन जा रही होगी। देखने में इतना ज्यादा सिंपल लग रहा है, बट द थिंग इज नॉट सो सिंपल एज सच। क्यों? अलग अलग लोगों के द्वारा ये डिस्कशन दिया गया, अलग लोगों के द्वारा बताया गया, बट द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लेन इज स्टिल डिबेटेबल, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ज्योग्राफर ने अपने अपने अलग अलग पॉइंट रखे। अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से ज्योग्राफर ने अपने पॉइंट रखे हैं, तो फर्स्ट वन इज एडवर्ड स्विस मॉडल, जिन्होंने जियोसिंक्लाइन बेसिस पे अपना कंसेप्ट रखा था। दूसरा एस बुराड मॉडल, थर्ड वन ब्लैनफोर्ड मॉडल, एंड थर्ड वन जो हमारी जनरल कॉन्सेप्ट या फिर रिसेंट कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं। वन बाय वन करके अगर चीजों को हम लोग देखें, तो सबसे पहले जरा देखते हैं एडवर्ड स्विस मॉडल के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे ये जियोसिंक्लाइन के बारे में। जियोसिंक्लाइन, अब देखिए जियोसिंक्लाइन के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि एक साइड में हमारी ऐसे पहाड़ बनी हुई है, दूसरे साइड में हमारी अलग लैंडमार्क्स बनी हुई है, यहां से भी आपके सेडिमेंट्स तोड़ तोड़ करके आ रहे हैं, यहां से भी सेडिमेंट्स आपके तोड़ तोड़ करके आ रहे हैं, और अल्टीमेटली ये जो सेडिमेंट्स हैं ये यहां से टूट करके यहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के कारण से ये पूरा का पूरा एरिया एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा वेट फील कर रहा होगा, जिसके कारण से वही बलून वाला एग्जांपल, एक्स्ट्रा फोर्स, देन क्या होगा, यहां पर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इस तरीके से हमारे दो अलग अलग माउंटेन रेंज उठ जाएंगे। तो बेसिकली हमें कुछ इस तरीके की सिंक्लाइन एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है सिंक्लाइन एंटीक्लाइन, दिस इज बेसिकली एंटीक्लाइन एंड दिस इज बेसिकली सिंक्लाइन। ये जो सिंक्लाइन एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये कुछ हमें इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही होगी, सिमिलर दोनों साइड देखने को हम लोग को इस तरह से सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, जहां पर यह भी आपका एंटीक्लाइन हो जाएगा। तो ये तो आपकी बन गई हिमालय शिवालिक का पार्ट बन गया, सिमिलरली यहां पर हमारी ट्रांस हिमालय वगैरह ये सब बन जा रही होंगी। होगा क्या, यहां पर हमारी जो छोटी छोटी सिंक्लाइंस एंटीक्लाइंस बनी है, ये बेसिकली एक काफी ज्यादा अनरेगुलर या इररेगुलर यहां पर सरफेस बना रही होंगी, ऊबड़ खाबड़ जमीन बना रही होगी, जो कि यहां की रिवर के द्वारा जब ये बहेगी तो यहां पर सेडिमेंट और यहां पर इरोजन दोनों ही होता रहेगा। तो इस इरोजन और इस सेडिमेंटेशन के द्वारा लगातार ये जो इररेगुलर जमीन है वो अल्टीमेटली प्लेन हो जाएगी, और प्लेन होने के बाद हम लोग इसे बोलेंगे कि ये ग्रेट प्लेन हो गई है। ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी बोला हुआ है, ये मॉडल दिया गया था हमारे एडवर्ड स्विस के द्वारा,
जहां पर इन्होंने बोला कि बेसिकली जो ग्रेट प्लेन्स है दे आर नॉट प्लेन, दे आर इन इररेगुलर फॉर्मेट एंड दिस इररेगुलरिटी इज बीइंग कंपनसेटेड बाय द सेडिमेंट्स विच इज डिराइविंग फ्रॉम द हिमालयन रिवर्स। समझ में आया क्या चीज है? अब जरा वन बाय वन करके चीजों को देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस एन एक्सटेंसिव फोरडीप वॉज फॉर्म बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुलर इंडिया ड्यू टू हिमालयन ओरिजिनी। तो अभी मैंने जो आप लोग को इस तरह से फोटो बनाया हुआ था कि यहां पर हमारी इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाती है जो हमारी आगे जाकर के इस तरह से टेपर शेप ले ले रहा है और यहां पर हमारी हिमालय उठी हुई है इस तरीके से, यहां पर हमारी एच एफ एफ हो रखी है और बाकी दो फॉल्ट यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा था जो एमसीटी एमबीटी वाली चीज थी। तो यहां पर एक क्या है फॉल्ट देखने को मिलता है, ये हमारी पेनिनसुलर इंडिया वाली पार्ट हो गई है और यहां पर हमारी हिमालयन इंडिया वाली पार्ट हो गई है। तो हिमालयन ओरिजिन के कारण से बीच में हमें एक फोरडीप, ये हमारी फोरडीप एक हमारी गड्ढा देखने को मिल रहा होगा। दिस फोरडीप वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सटेंसिव सिंक्लाइन। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंक्लाइन। देखिए इसी तरीके से तो है, सिंक्लाइन है, बस इसी को क्या है टेपर कर दिया गया है ऑफ द बेड विच बींग इररेगुलर एंड अनड्यूलेटिंग वॉज ए ब्रॉड सिंक्लिनोरियम। तो बेसिकली हुआ क्या है, इसी तरीके से जो हमारी इररेगुलर सरफेस बन गई है यही चीज बताया है। देयर कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्मॉल एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। क्लियर हो गया? थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है लेकिन समझना उतना ही आसान है, एक बार आप समझ लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालय, अब ऊपर से हिमालय से रिवर आ रही है, रिवर आएगी तो ऑब्वियसली डिपॉजिट करेगी सेडिमेंट को इनटू द फोरडीप। द सेडिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द इरोजन ऑफ हिमालयस बाय साउथवर्ड फ्लोइंग रिवर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द फोरडीप वॉज फिल्ड विद सेडिमेंट एंड दस ग्रेट प्लेन्स वर फॉर्म्ड। तो मैंने जैसा अभी बोला वैसे ही चीजें हो गई। अच्छा, यहां पर जब ये इरोजन होगी तो इरोजन के लिए हालांकि हम लोगों ने मॉडल्स पेपर वन के अभी तो नहीं पढ़े हैं बट यहां पर आपको डिवीसियन मॉडल हो गया या फिर पिंक का मॉडल हो गया, ये दोनों मॉडल आप कोट कर सकते हैं, जस्ट एक कोट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आई नो द इरोजनल प्रोसेस व्हाट ऑल आर देयर देयर, ठीक है किस तरीके से है वो हम लोग बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, जैसे एक है हमारी किंग की मॉडल होती है, एलसी किंग मॉडल बोला जाता है उसको, तो ये चीजें हो जा रही होती हैं। तो आपको पेपर में बेसिकली क्या है हर तरफ से आपको बताना है कि यू नो द ज्योग्राफी बिहाइंड दिस, यू आर नॉट जनरल, यू नो द ज्योग्राफी बिहाइंड दिस। तो हर चीज आपको बेसिकली एक पॉइंट फॉर्मेट में दिखाना है। आंसर राइटिंग में हम लोग देखेंगे क्या चीजें। आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्वेस द बेड ऑफ फोरडीप वॉज इररेगुलर, ऑब्वियसली एंटीक्लाइन सिंक्लाइन हो रही है तो, एज इट स्लोप वॉज जेंटल टूवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां पर जरा कॉम्प्लेक्स चीज है, यह जरा सुनिएगा। अब ऑब्वियसली यहां पर हमारी इस तरीके से माउंटेन है तो अब उसके बाद से इस तरीके से चीजें हो गई हैं। जब आप सेडिमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर देखिए रिवर की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो काफी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली यहां पर इरोजन भी ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो स्लोप है वो ज्यादा हाइट नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा हाइट लेगा तो फिर वो तोड़ दिया जाएगा क्योंकि वेलोसिटी स्लोप के ही माध्यम से रिवर को मिल जा रही है। तो जब स्लोप ज्यादा रहेगा तोड़ना शुरू कर देगा, उतना ही ज्यादा सेडिमेंटेशन भी करना शुरू कर देगा, सेडिमेंटेशन करेगा तो हाइट ले ली जाएगी, हाइट ले ली जाएगी तो स्लोप जो रहेंगे वो जनरली जेंटल रहेंगे, बहुत ज्यादा हाइट नहीं लेंगे। लेकिन जब स्लोप काफी ज्यादा, मतलब कि जब हाइट ज्यादा ले लेगा सेडिमेंट तो नीचे वाले जो रहेंगे वो फिर स्लोप उनके जेंटल नहीं रहेंगे, उनके स्लोप फिर स्टीप हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे साउथ साइड में हमारे रहेगा, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स के साउथ में होगा वहां पर हमें स्लोप स्टीप देखने को मिलेगा, जबकि हमारे नॉर्थ साइड में हमें जो स्लोप रहेगा वो स्टीप नहीं, हमें जेंटल देखने को मिलेगा। और वही यहां पर बोलता है कि यहां पर स्लोप वॉज जेंटल टुवर्ड्स नॉर्थ बट स्टीप टुवर्ड्स साउथ। इट अपीयर्स दैट स्वेस एज्यूम्ड ग्रेटर डेप्थ ऑफ फोरडीप इन द साउथ, ऑब्वियसली ग्रेटर डेप्थ पाया गया टू एक्सप्लेन द ग्रेटर थिकनेस ऑफ एल्यूवियम इन द सदर्न पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन। He did not offer any explanation for irregular bed of the Foradeep. He further maintained that Himalaya and Peninsular India were connected by consolidated parent rock below the Great Plains. तो इस तरीके से यहां से चीजें हुई हैं जहां पर irregular surface या फिर कह सकते हैं कि geosyncline theory basically इन्होंने focus किया था। Clear हो गया क्या है Edward Swiss का model? Next model के बारे में आए तो S. Burrard model आ जा रहा होता है, इसके बारे में फटाफट देखते हैं। तो according to S. Burrard, एक्सटेंसिव रिफ्ट वैली वॉज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ हिमालय। अब यहां पर भी ध्यान से समझते हैं और यही हमारा फिर से फोटो आ जाएगा। तो ये हमारी एक तरीके से पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हो गया, दिस इज बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया। ये अगर देखिए फोटो अगर आपने बना लिया तब तो आपका पूरा काम हो गया। अब यहां से हमारी शिवालिक, फर्स्ट हिमालय, सेकेंड हिमालय, ये हमारी बन गई है।
यहां पर आपने दिखा दिया कि HFF ये हमारी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, MBT यहां पर, MCT तीन फॉल्ट आपने दिखा दिए। यहां पर बेसिकली क्या है, जब आप देखेंगे 3D फिगर में तो आपको यहां पर इस तरीके से यहां पर भी एक नर्मदा वैली दिखाई देगी। दिस इज बेसिकली रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली क्या होती है, रिफ्ट वैली का मतलब होता है जब भी दो प्लेट आपस में डाइवर्ज हो रही होती है तो डाइवर्जन के दौरान में रबर बैंड आपने देखा होगा जब स्ट्रेच करते हैं तो पतला होते जाता है, तो पतला होने के दौरान में ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, यही होती है रिफ्ट वैली। तो दिस इज बेसिकली रिफ्ट, यहां पर जो खाली हो गया सरफेस वो हो गया रिफ्ट, और यही रिफ्ट हमें यहां पर इस साइड में सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलता है, ये है रिफ्ट एक तरीके से, और इस रिफ्ट का नाम है नर्मदा रिफ्ट। दिस इज बेसिकली नर्मदा रिफ्ट, और यहीं पर हमारी हिमालयन रिफ्ट भी हमें देखने को मिल जा रही होती है। हालांकि इतना पास पास जो आपको देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल में पास नहीं है, क्योंकि यहां पर ये माउंटेन का पार्ट हो गया, जो यहां पर HFF वाला फॉल्ट वाला रिफ्ट हो गई है, और यहां पर नर्मदा वाली रिफ्ट है। ये रिफ्ट कब बनी, जब ईओसीन पीरियड में हिमालय अपलिफ्ट होना शुरू हुआ था। ये रिफ्ट कब बनी, जब मायोसीन पीरियड के बाद हमारी शिवालिक जो होती है वो अपलिफ्ट होनी शुरू हो गई। तो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा पीरियड का डिफरेंस है। तो देर आर टू टाइप ऑफ, जैसे क्या है कि आप बोल सकते हैं कि एक जो है वो आपकी ग्रेट प्लेन्स या कह सकते हैं हरिद्वार के साइड वाली फॉल्ट है, दूसरी फॉल्ट जो है वो मध्य प्रदेश नर्मदा वाली फॉल्ट है। तो अच्छा खासा दोनों के बीच में डिफरेंस है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का बीच में डिफरेंस रहेगा। क्लियर, चलिए फिर। द नदन एंड सदन ब्लॉक ऑफ रिफ्ट वैली वॉज फॉर्म्ड बाई सदन रेंज ऑफ हिमालय एंड द फोर लैंड ऑफ इंडियन पेनिनसुला रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू हिम दिस रिफ्ट वॉज फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टू नॉर्मल फॉल्ट। एक हो गया जो नर्मदा वाला फॉल्ट है और दूसरा बन गया HFF वाला जो फॉल्ट है। क्लियर हो गया, इसको आप लोग अपने नोट्स में बनाते रहिएगा, क्योंकि ये किसी बुक्स में सच नहीं मिलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग पे मिलेगा। He has presented this example of Himalayan Rift Valley and Narmada Rift Valley. क्लियर हो गया, देखिए Himalayan Rift Valley and Narmada Rift Valley as evidence in support of his concept. Thus, according to Burad, an extensive rift valley measuring 2400 किलोमीटर in length. अब देखिए ये हमारी इस तरीके से 2400 किलोमीटर in length हमें देखने को मिली, और वही ये जो है इसकी जो लेंथ तो ठीक है, अब ये जो डेप्थ है वो कितनी है, तो डेप्थ हमें देखने को मिल रही है बेसिकली नियर अबाउट कितनी 500 मीटर इन डेप्थ, और ये हमें दोनों साइड देखने को मिल रही है, नर्मदा वाले साइड पे भी और हिमालयन वाले साइड पे भी। तो अच्छा खासा हमें एक गैप देखने को मिल रहा है, दिस टाइप ऑफ गैप हमें देखने को मिल रहा है जहां पर हमारी इस तरीके से रिफ्ट वैली बन जा रही होती है। अब ऑब्वियसली यहां पर क्या है, एक अच्छा खासा स्लोप भी मिला हुआ है, ये स्लोपी सरफेस है, यहां पर 3D फिगर मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, स्लोपी सरफेस है, जो हिमालय से रिवर आएंगे तो ऑब्वियसली इसी एरिया में अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट करना शुरू कर देंगी। क्लियर, तो इन एविडेंस एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज कॉन्सेप्ट, ठीक है, ही दस अकॉर्डिंग टू बुराड एन एक्सटेंसिव रिफ्ट वैली मेजरिंग 2400 किलोमीटर इन लेंथ एंड 500 मीटर इन डेप्थ फॉर्म ड्यू टू ओरिजिन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय, कोई दिक्कत नहीं है, वॉज फिल्ड विद द सेडिमेंट ब्रॉट बाई द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज एंड द ग्रेट प्लेन्स वर फॉर्म ड्यू टू ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो बेसिकली अल्टीमेटली हर जगह पे एग्जांपल आपको मिलेगा सेडिमेंटेशन का ही, सेडिमेंटेशन में देयर इज नो अल्टरनेटिव बिकॉज सेडिमेंट्स कैन ओनली डिपॉजिट हियर एंड अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर बेसिकली जो यहाँ की टोपोग्राफी है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ की जो जियोलॉजी है, यही बेसिकली डिफरेंस क्रिएट कर रही है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के ओरिजिन में अलग अलग ज्योग्राफर के व्यू को लेकर के। तो आपको एक क्लैरिटी आ रही होगी, एक जगह पे हम लोगों ने बात किया एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के बारे में, दूसरी जगह पर हम लोगों ने बात किया है फॉल्ट्स के बारे में केवल, और ये दो फॉल्ट अल्टीमेटली क्या कर रही है, इस तरीके से स्लोपी सरफेस बना रही है जहां पर रिवर आकर के डिपॉजिट करते जा रहे हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए आगे बात करते हैं, ब्रॉड्स व्यू ऑफ रिफ्ट वैली फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ हिमालय वॉज नॉट ट्रेमेंडेबल, ऑब्वियसली पूरी तरीके से करेक्ट है कि नहीं हम नहीं बता पाएंगे, and no evidence could be found which can validate the idea of formation of rift valley along the northern foreland of indian peninsula. to isliye hum log isko puri tarike se correct nahi bol sakte hain, to khair correct nahi hai to hame agla concept dekhna padega. to jo next concept aata hai wo aata hai blandford concept. ab ye blandford concept kya hai dekhte hain. according to blandford during eocene period what happened in the eocene period, obviously hamari jo africa ki is tarike se jo hamari africa thi usse hum log detach ho kar ke ultimately हम लोग यहां से इंडिया का प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट यहां लगा हुआ था तो यहां से डिवाइड हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट इधर चली गई और इंडिया वाली प्लेट ऊपर चली गई।
तो इस तरीके से जब इंडिया वाली प्लेट मूव कर रही थी और यहां पर हमारी बाकी के सरफेस थे, तो बेसिकली सरफेस दो जगहों से रिवर्स आना शुरू हो गई थी। एक थी जो इधर के साइड से, ईरान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उधर के साइड से आ रही थी रिवर्स। दूसरी जो रिवर्स थी वो आ रही थी असम वैली से। तो बेसिकली अब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मैं आपको वाइड गैप काफी दिखा रहा हूं, बट एस सच इतना वाइड नहीं है, क्योंकि रिवर्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वाइड रहेगी तो रिवर्स नहीं फैलेगी, वहां पर जो है वो सी बन जाएगा, तो टेथिस सी का फंडा आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली बहुत पास में है। और वैसे भी इओसीन पीरियड में हिमालय अपलिफ्ट करना शुरू ही हो चुकी थी, तो उसमें आपको डाउट नहीं होगा, ऑब्वियसली ये दोनों टकरा चुके हैं, देयर आर वेरी लेस मार्जिन इज देयर बिटवीन दीज टू लैंड मासेस। तो अब यहां से मतलब कि ईरान साइड से, ईरान हो गया, बलूच साइड हो गया, यहां से आपको एक रिवर आती हुई मिल रही थी और दूसरी रिवर असम साइड से आ रही थी जो इरावदी वाली थी। असम हो गया, म्यांमार हो गया और हमारी साउथ ईस्ट की नेशन थाईलैंड वगैरह हो गई, इधर से इरावदी रिवर निकल करके आ रही थी। तो ड्यूरिंग लास्ट फेज, वन सेकेंड लेट मी क्लियर इट, ड्यूरिंग लास्ट फेज ऑफ इओसीन पीरियड, ओके मैंने यहां पे बताया नहीं, अकॉर्डिंग टू ब्लैंडफोर्ड ड्यूरिंग इओसीन पीरियड पेनिनसुलर इंडिया वॉज ज्वाइंट टूगेदर विद अफ्रीका। ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वॉज वन सी एक्सटेंडिंग फ्रॉम असम वैली टू इरावदी रिवर इन द ईस्ट एंड अनदर फ्रॉम ईरान बलूचिस्तान टू लद्दाख इन द वेस्ट। तो बेसिकली वही ईरान वाले साइड से एक रिवर आ रही थी और दूसरी रिवर आ रही थी हमारी असम साइड से। तो ये बेसिकली रिवर इन द सेंस सी एक्सटेंड हो रही थी और इस तरीके से हमारे पास पानी आ रहा था। ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ इओसीन, जहां पर हमारी हिमालयस एक्सटेंड करना शुरू हो गई और नेक्स्ट फेज हमारी मायोसीन आ रही होगी, आर्म्स ऑफ वेस्टर्न सी एक्सटेंडेड अप टू पंजाब। अब ये एक्सटेंड हो गई थी पंजाब तक के लिए ड्यू टू राइज इन हिमालय। अब सीधी सी बात है, हमारा ये लैंड मास निकल करके आ रहा है और यहां पर हिमालय अपलिफ्ट करना शुरू हो गई है, तो यहां से बीच से एक गैप मिलता जाएगा, तो ऑब्वियसली जो सी है वो रिसीड करना शुरू कर देगी और जब रिसीड करना शुरू कर देगी तो इसको लद्दाख जो ऊपर से निकल रही थी अब वो इस तरीके से चेंज करके अपनी कोर्स यहां पर पंजाब साइड में आना शुरू कर देगी। सिमिलरली यहां पर क्या होगा कि ये इलाका भी अगेन इधर से घूम करके आना शुरू कर देगा, इरावदी वाले साइड से आना, शिलोंग प्लेटू वगैरह के साइड में आना शुरू कर देगा। तो दीज सी स्टार्टेड रिसीडिंग बाय ग्रेजुअल डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम हिमालय ड्यूरिंग द मायोसीन पीरियड एंड दीज सी स्टार्टेड रिसीडिंग बाय ग्रेजुअल डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम हिमालयन रिवर। तो ऑब्वियसली ऊपर से ये तोड़ना मोड़ना भी शुरू कर देंगे, तोड़ने के कारण से फिर अल्टीमेटली यहां पर डिपॉजिट्स भी लाना शुरू कर देंगे। तो यहां पर ये बेसिकली डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ग्रेट इंडिया मतलब ग्रेट प्लेन्स बनना शुरू हो जाएगा। आफ्टर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस दीज गल्फ्स वर फिल्ड अप एंड रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली जो होता है इस तरह के सेडिमेंटेशन होगी और अल्टीमेटली इस तरह से चीजें हमारी बन जाएंगी। एज पार्ट ऑफ एविडेंस के बारे में बात करें, क्या क्या एविडेंसेस दिए गए हमारे ब्लैंडफोर्ड साहब के द्वारा, इन्होंने कहा कि देखिए नंबर ऑफ एविडेंसेस है। पहला एविडेंस है कि लाइमस्टोन रॉक पाया गया है कुमाऊं क्षेत्र में जो कि उत्तराखंड साइड में है, यानी कि यहां पर कैल्शियम रिच एरियाज रहे होंगे और कैल्शियम रिच तभी रहेगा जब यहां पर सी ओरिजिन रहे, क्योंकि कैल्शियम कैसे मिलेगा जब तक आपको मरीन एरिया मरीन एनिमल्स नहीं मिलेंगे, कैल्शियम आपको कहां से मिलेगा। तो इस वजह से मरीन एनिमल का होना काफी जरूरी है और मरीन एनिमल आपको तभी मिलेंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म तभी मिलेंगे जब यहां पर कोई ना कोई समुद्री एरिया रहेगा, सी एरिया रहेगा। सेकेंड वन, प्रेजेंस ऑफ सेलाइन वाटर लेक्स इन राजस्थान। तो ऑब्वियसली मरीन वाटर इज सेलाइन वाटर एंड दस जो यहां पर सेलाइन वाटर पाई जाती है राजस्थान में वो इस बात को कंफर्म कर रही है कि यहां पर सी रहा होगा। द ज्वाइनिंग ऑफ आईलैंड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ विद द मेनलैंड। अब देखिए यहां के साइड में जो हमारा गल्फ ऑफ कच्छ है, इधर के साइड से अरेबियन सी आ जाती है, अरेबियन सी। ये अरेबियन सी कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रही है कि हमारी ये जो इलाका था वो सी ओरिजिन का था, मतलब यहां पर पहले सी हुआ करता था तब जाकर के ये एरिया इस तरीके से बना होगा। सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सुंदरबन, सिमिलरली जो होती है हमारी दूसरे साइड से भी, हमारी जो इधर नॉर्थ ईस्ट के साइड से है ये भी सिमिलर, जो कच्छ वाला रीजन है वही हमारा सुंदरबन का रीजन, सेम एक सेम टाइप का प्रूफ शो कर रहा है। द इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश कोस्ट, अगेन सिमिलर टू सुंदरबन डेल्टा वाली चीज हो जाती है। तो यहां से इन्होंने अच्छा खासा एविडेंस दे दिया था और इस एविडेंस के कारण से ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्लैंडफोर्ड कंसेप्ट जो होता है वो काफी हद तक सही है। इनफैक्ट इन्होंने जो सी के बारे में बताया वो कुछ नहीं, बस टेथिस सी ही है बेसिकली, दिस इज टेथिस सी। और टेथिस सी इसको कंफर्म भी किया गया है बाकी लोगों के द्वारा जब ये हिमालय की ओरिजिन हम लोग देख रहे थे।
देखा था हम लोगों ने वहां पर भी, जब हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक वगैरह के बारे में बात किया था, तो सी जो होती है वो रिसीड करके बाकी इधर उधर चीजों से निकल जा रही थी, और वही रिसीडिंग हमें ब्लैनफोर्ड के साहब की भी कंसेप्ट में देखने को मिल रहा था। इसके अलावा देखिए एक और चीज है, द प्रेजेंस ऑफ मरीन फॉसिल इन द सेडिमेंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में भी हमें सेडिमेंटेशन मरीन फॉसिल्स के देखने को मिल जाते हैं, और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है सी वाला जो कंसेप्ट है वो काफी हद तक सही कंसेप्ट है। इसके बाद आता है एक और कंसेप्ट जिसको बोलते हैं रेमनेंट ऑफ सी कंसेप्ट। रेमनेंट ऑफ सी कंसेप्ट का मतलब कि वही सी जो होती है, जो समुद्र है, वो किस तरीके से बचते, मतलब रेमनेंट्स उसके केवल और केवल रह गए हैं। रेमनेंट्स रहने का मतलब देखिए यहां पर पहले समझ लीजिए, रेमनेंट्स रहने का मतलब ये है कि हमारी जो हिमालय है वो इस तरीके से हमारी ऊपर उठ चुकी है, और यहां पर हमारी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, और ये हमारा फॉल्ट बना हुआ है। यहां पर क्या है कि ऑब्वियसली जब यहां पर ये इस तरीके से एंटीक्लाइन अगर बना हुआ है, तो यहां पर अगर 3D फिगर देखें तो यहां पर हमें इस तरीके से यहां पर हमें पानी देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली पानी देखने को मिलेगा, जब भी कोई गड्ढा होता है तो वहां पर आपको पानी देखने को मिलता है ना, तो यहां पर बेसिकली हमें पानी देखने को मिलेगा, और ये कुछ नहीं एक्चुअल में टेथिस सी का ही रेमनेंट है, टेथिस सी का बचा हुआ रूप है। लेकिन अब क्या है कि ऊपर से हिमालयन रिवर्स आ ही रही है, और हिमालयन रिवर्स अगर ऊपर से आ रही है तो अगर ऊपर से इस तरीके से हिमालयन रिवर्स आ रही है तो हिमालयन रिवर्स अपने साथ में सेडिमेंट्स भी लेकर के आ रही हैं, और जब सेडिमेंट्स लेकर के आएंगी तो ऑब्वियसली इस इलाके में सेडिमेंट इकट्ठा होते जाएंगे, और इकट्ठा होते 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 क्या होगा, अल्टीमेटली एक प्लेन सरफेस बना देगा, और ये प्लेन सरफेस क्या होगा कि यहां पर पूरे इलाके में एक प्लेन बना देगा, ग्रेट प्लेन बना देगा। तो इस तरीके से हमें ये ग्रेट प्लेन की ओरिजिन देखने को मिल जा रही होती है, एंड दिस इज द बेसिकली कह सकते हैं कि ये रीसेंट कंसेप्ट है, इसी बेसिस पे चल रहा होता है। रिसेंट मतलब रेमनेंट ऑफ सी कंसेप्ट है। तो सम ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ओपिन दैट द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया आर अ रेमनेंट ऑफ टेथिस सी। अकॉर्डिंग टू देम आफ्टर द अपहीवल ऑफ शिवालिक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेथिस वर लेफ्ट एज अ लास्ट ट्रफ व्हिच वाज ज्वाइनिंग टू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन इन द वेस्ट। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए अरेबियन सी पड़ा हुआ है हमारे पास, पड़ा है कि नहीं, ये देखिए वेस्टर्न घाट है, यहां पर देखिए ईस्टर्न घाट है, इनफैक्ट आप लिख भी सकते हैं दिस इज वेस्टर्न घाट, यहां पर आपकी ईस्टर्न घाट हो जा रही होती है, यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ वगैरह है, यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, दिस इज बे ऑफ बंगाल। क्लियर हो गया। देखिए इस तरीके की फोटो कभी बुक्स वगैरह में नहीं होती है, बट एग्जाम में अगर इस तरीके की फोटो अगर आप बनाते हैं काफी अच्छा मार्क्स आप पाएंगे, क्योंकि यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए खैर, तो ज्वाइनिंग आउट ऑफ द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, रिवर्स फ्रॉम हिमालय डिपॉजिटेड देयर लोड इन द ट्रफ। तो ऑब्वियसली बात है डिपॉजिट करने जा रहे हैं, because the Himalayas were rising during that period, river experienced rejuvenation and greater quantity of eroded material which increased the thickness of alluvium. Due to infilling of central part of trough, the sea located in the east and west started receding and Great Plain आ जाती है। तो ये चीज निकल जाती है, इधर इधर से निकल गई और अल्टीमेटली जो होता है ग्रेट प्लेन बन जाता है। क्लैरिटी आ गई क्या है रेमनेंट ऑफ सी के बारे में। तो तीन कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिए, एक हम लोगों ने देखा सबसे पहले जियो सिंक्लाइन के बारे में, और ये थी हमारी एडवर्ड स्ट्रेस का मॉडल। दूसरा हम लोगों ने देखा है जो हमारी एस बुराड का मॉडल था, जहां पर इन्होंने बोला था कि नर्मदा फॉल्ट और हिमालयन फॉल्ट दो अलग अलग तरीके के हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फिर क्या है सेडिमेंटेशन करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली बन जाएगा। थर्ड कंसेप्ट हम लोगों ने देखा ब्लैनफोर्ड का, और जहां पर हम लोगों ने बात किया था कि यहां पर सी रिसीडिंग है, सी आ रही है अलग अलग साइड से, एक ईस्ट वाली और दूसरी वेस्ट वाली है, और दोनों के दोनों अल्टीमेटली फॉर्म कर दे रही है हमारे ग्रेट प्लेन को। और चौथा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा रेमनेंट ऑफ सी कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं और जनरल कंसेप्ट एक थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज है। द ओरिजिन ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया शुड बी कंसीडर्ड एज आउटकम ऑफ सेवरल कनेक्टेड प्रोसेस। बहुत सारी प्रोसेस एक साथ हो रही होती है, और ये कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट रिसेंट, ये एक तरीके से मोस्ट रिसेंट है। जैसे आप लोगों ने, अगर मैंने बताया तो नहीं है आपको, लेकिन हो सकता है आप पढ़े होंगे, डेविस ने क्या बोला था, डेविस ने जब इरोजन बोला तो इन्होंने बोला पहले इरोजन पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद से डिपोजिशन होना शुरू होगी। जबकि पेंक ने क्या बोला कि भैया ऐसा है कि ये स्टेज स्टेज का फंडा नहीं होता है, जो स्टेज डेविस ने बोला था ऐसा कुछ नहीं होता है, फेज का फंडा होता है, जहां पर इरोजन और डिपोजिशन एक साथ ही दोनों चीजें हो रही होती हैं, एंड दैट इज व्हाई पेंक इज मोर रिलेवेंट एज कंपेयर टू डेविस का मॉडल। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों चीजें होती रह रही है। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है कि यहां पर देखिए कि कई सारी प्रोसेस, कई सारे मैकेनिज्म, कई सारी चीजें एक साथ इंटरकनेक्टेड वे में चल रही है, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, जैसे सब्सिडेंस हो गया, जैसे अपलिफ्टमेंट हो गई, जैसे रिसेशन हो गया, तो हर चीज एक साथ ही चल रही है,
और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया. एविडेंस शो दैट इन जियोलॉजिकल पास्ट ऑफ अरेबियन सी एक्सटेंडेड अप टू द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ गढ़वाल एंड हुमायूं. तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारी जो ये इस तरीके से हमारी पार्ट है और यहां पर हमारी इस तरह से आ जाती है हमारी राजस्थान वगैरह, तो ये जो गढ़वाल का रीजियन और कुमाऊं का रीजियन है बेसिकली अरेबियन सी यहां तक एक्सटेंड कर रही होती थी. और एक्सटेंड कैसे कर रही होती थी, वही ब्लैनफोर्ड का कंसेप्ट जो बोला गया था, इधर के साइड से रिवर आ जा रही होती है. तो ये वाली जो चीज बताई गई थी ब्लैनफोर्ड के द्वारा वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताई गई है, बट एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेस वर गोइंग ऑन. क्लियर, तो ये चली आ रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैसिव लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट. तो ये पूरा का पूरा जो मरीन ओरिजिन है वो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा होता है. सिमिलरली जो वेस्ट साइड ऑफ इंडिया हो रही है वही ईस्ट साइड ऑफ इंडिया हो रही है, जहां पर बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड अप टू द शिलोंग प्लेटू इन द फॉर्मेट ऑफ ईस्टर्न गल्फ एंड इट इज बिलीव्ड दैट एन एक्सटेंसिव ट्रेंच वॉज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ हिमालय ड्यू टू हिमालयन ओरिजिनी. द रिवर स्टार्टेड टू इरोड द हिमालयन रॉक्स एंड दस द सेडिमेंट्स सो ऑब्टेन वर डिपॉजिट इन द ट्रेंच. तो इस तरीके से यहां पर डेवलपमेंट हो जा रही होती है ग्रेट प्लेन की. द एवर इंक्रीजिंग वेट ऑफ कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ इरोडेड मटीरियल कॉज्ड ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन ऑफ द ट्रेंच. सीधी सी बात है, ये ट्रेंच अगर मान लीजिए, इस ट्रेंच का मतलब क्या है, यही हुआ है. जैसे ट्रेंच का मतलब आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा ही होगा कि एक प्लेट इधर से आ रही है, दूसरी प्लेट इधर से आ रही है, दोनों जब टकराएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक प्लेट नीचे चली जाएगी और दूसरी प्लेट इस तरीके से आ जाएगी. तो दिस हैज फॉर्म्ड अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेंच. अब यहां पर क्या है, मान लेते हैं कि दिस इज यहां पर ये बड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल इधर हो गई क्योंकि ये बसाल्टिक है, और यहां पर ये क्या हो गई जो हमारी इंडियन प्लेट है, और यहां पर हमारी हिमालय उठी हुई है. तो यहां पर जो ये ट्रेंच बनी हुई है इसको यहीं की रिवर्स आ रही हैं, इरावदी रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, ये यहां पर डिपॉजिट करना शुरू कर दी, और डिपॉजिट करने के साथ में ये पूरा का पूरा हमारा असम का एरिया बन गया है, असम प्लेन बन गया है, वेस्ट बंगाल का प्लेन बन गया है. क्लियर हो गया. तो दिस हैज एवर इंक्रीजिंग वेट ऑफ कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ इरोडेड मटीरियल कॉज्ड ग्रेजुअल सब्सिडेंस ऑफ ट्रेंच, दस रिपीटेशन ऑफ ट्विन प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस, दोनों चीजें एक साथ हो रही है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया. क्लियर हो गया क्या चीज है. द ट्रेंच वॉज वन सेकेंड द ट्रेंच वॉज अल्टीमेटली फिल्ड विद सेडिमेंट्स एंड ग्रेट प्लेन्स वर फॉर्म्ड. अरेबियन सी कंटिन्यू टू विदड्रॉ विद द रिजल्ट न्यू लैंड एरियाज वर फ्रीड फ्रॉम द सी एंड वर एडेड टू द प्लेन्स. There are still evidences to demonstrate the recession of Arabian Sea and progression of coastal lands. The saline lake and all that, ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीन ओरिजिन की हैं, और इस चीज का हम लोगों को प्रूफ भी अब दे रहे हैं. समझ में आ गया क्या केस है. तो हम लोगों ने बेसिकली ओरिजिन एंड एविडेंसेज ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है. इसको फिलहाल को यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स के बारे में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उसको फटाफट ज्वाइन करके अपने डाउट रेज कर सकते हैं. मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.